नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। ये दोस्तों ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50 ये देखिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा, जो कि दोस्तों एक खास वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास A50 है और किसी वजह से अगर इसकी जो डिस्प्ले होती है वो टूट जाती है, चढ़क जाती है, तो दोस्तों आप इसे कितने रुपये में चेंज करा सकते हो, और दोस्तों चेंज कराने के बाद हमारे इस फ़ोन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारी डिस्प्ले दोस्तों वो किस प्रकार की दिखती है, कैसे कलर आते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी स्किन को कम से कम कितने रुपए में चेंज करा सकते हो, जिससे आपका फ़ोन पहले की तरह अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बैन दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50, जिसकी दोस्तों ये फोल्डर है जो डिस्प्ले दोस्तों वो टूट चुकी थी, जिसको मैंने रिप्लेस कराया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसे रिप्लेस कराना चाहते हो, अगर आपके पास A50 है और आप उसकी डिस्प्ले को रिप्लेस कराना चाहते हो, तो दोस्तों आपको कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे कम से कम, और दोस्तों उसकी क्वालिटी डिस्प्ले की वो कैसी होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हो जी मेरे पास A50 है, और दोस्तों इसकी नॉच है, नॉच जो होता है कैमरे के बगल में दोस्तों वो चेंज हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने A30 वाली डिस्प्ले डलवा दी थी, जो फोल्डर होता है A30 का डलवा दिया था। क्योंकि दोस्तों A30 और A50 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने इसमें A30 वाली जो फोल्डर वो डलवा दिया। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो कितने रुपये खर्च हुआ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि A50 को ख़राब होने के बाद दोस्तों जब मैंने इसे फिर से इसकी डिस्प्ले रिप्लेस कराई है, तो उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके कलर की। तो देखिए इसके दोस्तों जो कलर हैं वो पहले के मुताबिक TFT की तरह हो चुके हैं। जैसे दोस्तों हमारा जो रेडमी का मोबाइल होता है, रेडमी के फ़ोन होते हैं, उसमें दोस्तों हमें जो कलर देखने को मिलते हैं, उसी तरह के कलर आपको अब इसमें देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें लोकल फोल्डर डलवाते हो तो। और दूसरा चेंज दोस्तों ये है कि दोस्तों इसमें A50 में फिंगरप्रिंट सेंसर हुआ करता था, अब दोस्तों वो इसमें वर्क नहीं करता, क्योंकि जो लोकल फोल्डर होते हैं उनमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है दोस्तों, वो लोकल फोल्डर के अंदर नहीं आता, तो वो अब इसमें वर्क नहीं करता। और तीसरा दोस्तों इसकी दोस्तों ये नॉच है वो A30 ऐसी हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें A30 वाला फोल्डर डलवा दिया था। तो दोस्तों बस यही दो तीन चेंजेस होते हैं जो हमें लोकल फोल्डर डलवाने के बाद देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसके कलर चेंज हो जाते हैं, पहले एमोलेड कलर आते थे बट दोस्तों अभी ये LCD की तरह दिखता है। और दूसरा दोस्तों इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोस्तों अब इसमें वर्क नहीं करता, दोस्तों ऑप्शन ही नहीं आता यहाँ पर फिंगरप्रिंट का, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले चेंज हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ प्राइस की। दोस्तों प्राइस की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ जो ज़्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है, जब आप इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है दोस्तों वो चेंज कराओगे, तो हमारा जो चार्जिंग पोर्ट होता है यहाँ पे दोस्तों वो ठीक से वर्क नहीं करता। क्योंकि दोस्तों ये चार्जिंग जो पोर्ट होता है उसके अंदर एक प्लेट होती है, वो प्लेट डिस्प्ले से कनेक्ट होती है, तो जब दोस्तों ये डिस्प्ले चेंज हो जाती है तो दोस्तों हमारी जो चार्जिंग की जो अंदर वाली प्लेट होती है वो भी वर्क नहीं करती, तो आपको वो भी चेंज करानी पड़ेगी अगर आपको अपने फ़ोन को प्रॉपर यूज करना है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको चेंज करानी है अगर आपका फ़ोन टूट चुका है तो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसकी प्राइस। तो दोस्तों अगर आप कम से कम वाला डलवाओगे फोल्डर, तो वो कम से कम डलेगा दोस्तों 2100 या 2200 रुपये का। और दोस्तों ये उस प्लेट की, चार्जिंग वाली प्लेट की बात करूँ, तो वो भी दोस्तों आपको कम से कम 300 रुपये की पड़ेगी, यानी दोस्तों 2500 रुपये में आपका फ़ोन फिर से रेडी हो जाएगा दोस्तों। बट याद रहे सुपर AMOLED डिस्प्ले होती है, उस तरह कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट दोस्तों जो MI के फ़ोन होते हैं उस तरह कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों एक इसमें चेंजेस आ चुका है कि दोस्तों इसमें तो जो चिन्ह नीचे जो पहले दोस्तों कम हुआ करती थी, बट दोस्तों अभी थोड़ी ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों ये वर्क पहले की तरह ही करता है, बट दोस्तों इसकी जो लुक है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। वैसे दोस्तों और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, देखिए आप देख सकते हो सेम एकदम फोन नया लग रहा है, बट इसकी डिस्प्ले दोस्तों वो थोड़ी इसमें जो कलर है वो थोड़े डाउन हो चुके हैं पहले के मुताबिक, और फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क नहीं करता, और तीसरे दोस्तों इसकी जो नॉच है ये चिन्ह है वो पहले से थोड़ी मोटी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अगर आपके पास A50 है और किसी वजह से उसकी डिस्प्ले टूट चुकी है, तो कैसे आप उसका जो फोल्डर होता है उसे चेंज करा सकते हो, और कितने रुपए उसमें दोस्तों आपके खर्च होंगे। तो
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।